मैं सभी देशभक्तों को कहना चाहता हूं, मोदी जी को चुनकर लाने के लिए आप अपने वोट का यज्ञ कीजिए और उस वोटों के यज्ञ में अपने वोट की संविदा दीजिए और इस देश को मजबूत बनाइए। ये बड़ी बात आपने कही, ये तो बहुत कोटेबल कोट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो पहली बार एक नए शब्द, एक नए फ्रेज का उल्लेख किया गया है। ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे लोग वोटों की जिहाद की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वोटों की यज्ञ कीजिए। और ये उन्होंने कहा जब मैंने उनको सवाल पूछा कि महाराष्ट्र के हिंदुओं को क्या करना चाहिए, तो इस पर जरा विस्तृत तौर से कहें, ये वोटों की यज्ञ की बात क्या होती है, किस चीज का ये? आप क्यों नहीं कहते वोटों की तपस्या कीजिए, वोटों के लिए संघर्ष कीजिए, आप वोटों की यज्ञ के बारे में क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम मतदान कहते हैं, दान पवित्र होता है और यज्ञ भी पवित्र होता है, और यज्ञ में जो संविदा डाली जाती है वो अपना समर्पण होता है जी। और जब देश में मोदी जी जैसा नेता एक मजबूत भारत तैयार कर रहे हैं, जिस समय भारत एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा है, विकसित भारत की ओर भारत अग्रसर है, गरीब कल्याण का एजेंडा भारत के गरीबों के वजूद को एक नई व्याख्या दे रहा है, ऐसे समय हर व्यक्ति का ये काम है वो अपनी तरफ से भी कोई समर्पण करे। और वो समर्पण हम कौन सा कर सकते हैं? तो अपने वोट का समर्पण कर सकते हैं। इसलिए ये जो लोकतंत्र का यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में संविदा डालने का हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है। हम सब लोग हमारी संविदा ये मोदी जी के प्रति अगर उस यज्ञ में डाले तो विकसित भारत का सपना मोदी जी पूरा करके दिखाएंगे।